चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो शोक सभा रखा गया भगत सिंह युवा मोर्चा के तहत, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सिप्तन जी के बारे में? सबसे पहले भगत सिंह युवा मोर्चा की जानिब से हम तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए, और मीडिया बंधुओं को भी हम सबसे ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तमाम जगहों पर उन्होंने जगह दिया। और हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इसलिए किया क्योंकि हमारे साथी थे और वो समाज सेवी थे, और समाज के लिए हर वक्त वो जीते और मरते थे। पढ़ लिख करके उन्होंने समाज सेवा को प्रेफर किया, ना कि नौकरी और जॉब। और उनके श्रद्धांजलि सभा और कुरान खानी का आयोजन करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि समाज में हो रहे जुल्म, समाज में हो रहे अन्याय, समाज में हो रहे जो हमारे बायोग्राफी होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही, उसी को अंजाम देने के हम लोगों ने प्रोग्राम का। सर, ये शोक सभा में जो एक ट्रस्ट के बारे में जो चर्चा हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ट्रस्ट किस नाम से रहेगी और जनता को किससे कैसे लाभ इसको मिलेगा? ये ट्रस्ट नहीं है, ये संगठन है। ये संगठन जो भगत सिंह है, भगत सिंह नारा नहीं नहीं भगत सिंह ने एक ट्रस्ट के बारे में जो अभी जो बोला कि ट्रस्ट खोला जाएगा, ट्रस्ट नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, इसको संगठन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, एनजीओ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक संगठन है, हम लोग का संघर्ष, क्योंकि भगत सिंह पूरे जीवन संघर्ष है, उनका संघर्ष किया, उन्होंने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब और जिंदाबाद। आप अपना परिचय दें। आप अपना परिचय दें। हमारा नाम तबरेज हसन, रिसर्च स्कॉलर जेएनयू और फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन। धन्यवाद। आज भगत सिंह युवा मोर्चा के तरफ से जो आज शोक सभा रखा गया, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे सिप्तन भाई के लिए? ये हमारे बड़े भाई सिप्तन साहब का अचानक जो मैयत हुई, इससे पूरे हिंदुस्तान के लोग आहत हैं, और खासकर रंगिया जिला पूरा उसके शोक में डूबा हुआ है। इस अवसर पर हम लोग चाहे कि इसके लिए जो हवाओं का मजहब है, उस मजहब के हिसाब से हमने उसका कुरान खानी करवाया, और कुरान खानी करवाने के बाद दुआ किया, और उनके सारे लोग उनसे जुड़े हुए जितने थे जो उनसे मोहब्बत प्यार करते थे सारे लोग इसमें आए, और इस प्रोग्राम को हम लोग करके समाप्त किए हैं। और सारे लोगों से कह रहे हैं जहाँ जहाँ भी लोग हैं इनके लिए दुआएं मगफरत करें, और सुप्तन भाई के जो काम काज हैं उसको सब लोग मिल के आगे बढ़ाएं। सर, इस शोक सभा के दरमियान एक भी कहा गया कि एक ट्रस्ट के बारे में जो चर्चा हुआ, इस पर क्या कहना? हाँ, ये ट्रस्ट लगभग जैसे बहुत ऐसे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं ट्रस्ट है, तो हम लोग सारे ट्रस्ट वाले मिल के वो एक सुफियान नाम से ट्रस्ट बनने वाला है। उस ट्रस्ट में हम लोग भी अपना जो भी मामला होगा, जो भी करना होगा, हम लोग सब मिलकर उस ट्रस्ट में करेंगे। इसमें सर किस तरीके से गरीब आदमी को, गरीब तबके के लोगों को राहत मिलेगा? ये इस तरह करेंगे हम लोग कि जैसे किसी गरीब की बच्ची की शादी है, देखेंगे उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, लाचार रहेगा तो उसमें मदद करेंगे, कोई बीमार है वैसा लाचार देखेंगे तो उसकी मदद करेंगे, वही के लिए वो संस्था बनेंगे। चलिए, आप अपना परिचय। मेरा नाम इम्तियाज अली, सफल लड्डू समाज सेवी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज में जुड़ने के लिए। आप अपना परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहतसिम अख्तर हुआ। तो मोहतसिम जी, ये आज शोक सभा जो रखा गया भगत सिंह युवा मोर्चा के तहत, तो क्या कहना चाहेंगे आज सिप्टन भाई के लिए? युवा मोर्चा अररिया की तरफ से मरहूम जनाब सिप्टन साहब के लिए कुरान खानी जो ख़त्म मुकम्मल किए और दुआ किए, कुछ लोग अपनी बातें रखते क्योंकि मरहूम थे ही ऐसे शख्सियत की हम तमाम नौजवानों के लिए अलविदा कह गए, लेकिन हम लोग अकेलापन महसूस करें इसी को जिंदा करने के लिए हमने एक शोक सभा रखे कर दिया टाउन हॉल के सभा। तो इस शोक सभा में एक बात सामने आई है कि ट्रस्ट भी मतलब एक खोला जाएगा, तो
क्या कहना चाहेंगे ट्रस्ट के? उनके वालिद मोहतरम मौजूद थे, उनके वालिद मोहतरम से भी हम लोगों की बात हुई, उनके छोटे भाई सुफियान साहब से भी बात हुई। उनके वालिद मोहतरम बोले कि हम लोग इस बात को बैठ कर करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे और जो निर्णय होगा सभी की राय से होगा। मतलब एक मसला लिया, एक राय लिया गया अभी, एक राय के साथ ये ट्रस्ट का फैसला। धन्यवाद। परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल अहमद हुआ। राहिल अहमद जी, आज जो सिप्तन भाई का जो आज शोक सभा रखा गया है जी, रखा गया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिप्तन भाई एक बहुत बेहतरीन इंसान थे, समाज के प्रति एक फिक्रमंद व्यक्ति थे। आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे बेसहारे बच्चे को वो फ्री में एजुकेशन देते थे। तो बहुत सारे काम उनका ऐसा है जो सराहनीय काम है, उनके रास्ते पे चलने के लायक काम है। तो हम लोग इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि उनके रास्ते पे चलें और समाज के जो गरीब बच्चे हैं, बेसहारे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाएँ। और उनका एक कुरान खानी भी था ताकि उनको एक सवाब जारिया हो, इस चीज़ के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद ही नहीं बल्कि मिशन है। वो जानते थे कि तालीम क्या चीज है, उन्होंने तालीम जो हासिल की वो नहीं चाहते थे कि वो तालीम मेरे अंदर तक रह जाए। उन्होंने तालीम को फरोख किया और कैरियर गाइड एकेडमी में रह करके उन्होंने वो मिसाल कायम की है कि अररिया में उस तरीके के इदारे कायम करना और उस तरीके से लेकर चलना लोगों के लिए एक ये चैलेंज बना हुआ। आप कभी अररिया करियर गाइड जो स्कूल है उनका, उनके कैंपस में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि तालीम के साथ साथ तरबियत का अनोखा अंदाज सिप्तन अहमद साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कहां से दी थी, उन्होंने इस्तेमाल किया। तालीम देकर छोड़ देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, तालीम के साथ साथ तरबियत को भी उन्होंने लाजिम समझा। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है, बड़े बड़े लोग यहां मौजूद हैं। सिप्तन अहमद साहब के बारे में मैं किस जाविये से आपके सामने बात करूं, तालीम के एतबार से, सियासी एतबार से मैंने बातें रख दी, लेकिन दो चार चीजें और भी हैं जिन पर बोलना लोग आसान समझते हैं लेकिन बोलकर उसके नक्शे कदम पर चलना और उसको अपनी जिंदगी में दोहराना बहुत मुश्किल काम है। सिप्तन अहमद साहब इतने मारूफ आदमी होने के बावजूद उन्होंने हमेशा जब भी किसी से मिला खंदा पेशानी से मिला और छोटों पर शफकत करने का मामला बहुत बड़े बड़े लोगों में नहीं पाई जाती, लेकिन सिप्तन अहमद साहब को उनके वालिद से ये चीज विरासत में मिली थी। जब वो छोटों से मिलते थे तो इतनी शफकत से पेश आते थे कि वो उनके गर्वीदा बनकर रह जाते। बड़ों का अदब और एहतराम कोई अगर सीखे तो सिप्तन साहब के छोड़े हुए नुमूशे कदम से सीखे कि बड़ों का कैसे अदब और एहतराम किया जाता है। हमारे सीनियर सहाफी परवेज साहब ने लिखा और हमने छापा भी है कौमी तंजीम में, सिप्तन अहमद साहब की कोई खबर हम नहीं चाहते थे कि मिस हो जाए और उनकी जितनी भी खबरें आती थी कौमी तंजीम ने सबको छापा है और स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद। परवेज साहब ने लिखा है कि सिप्तन अहमद साहब की एक खसूसियत जो बहुत कम लोगों को मालूम है और उनके जाने के बाद ये राज था कि न जाने कितने चूल्हे सिप्तन अहमद साहब के जरिए से अररिया जिला के अंदर जलते थे। जो उनकी सखावत थी, रहते हुए किसी को पता चलने नहीं दिया लेकिन वो जब गए तो लोगों को मालूम हो रहा है कि सिप्तन अहमद साहब की सखावत का ये दर्जा और सिप्तन अहमद साहब ने सखावत का ये पैमाना कायम कर रखा था कि कितने चूल्हे उनकी वजह से जलते। मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो मरहूम हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम लोग अगर सही माने में उनको अकीदत के साथ इजहार ताज़ियत करना चाहते हैं और सही माने में अगर हमदर्दी जताना चाहते हैं तो उनके जो भी आदात और अखलाक हम लोगों को अच्छे लगे, हम लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर उनको दाखिल कर उनके मिशन को हम लोग कामयाब बनाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ